लिब्रा ऑफिस के अंदर देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज किया जाएगा। ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, इसको मैं कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, ये कलर हो गया, ठीक है। अब इस डेटा पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, जितने सब्जेक्ट हैं केवल उन्हीं को सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं, चाहे तो कलर स्केल लगा सकते हैं, डाटा बार बना सकते हैं, और यहाँ पे आइकन सेट लेके आ सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, कंडीशन के हिसाब से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ग्रेटर देन। किससे ग्रेटर चाहिए, 32 से ग्रेटर चाहिए, ठीक है। तो ये 32 से ग्रेटर कर दिया हमने, और यहाँ पे सेल एड्रेस आ ही रहा है, देख लीजिए नीचे C3 से F12 तक ये पूरा सेल एड्रेस आ रहा है, और यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ जो है हाईलाइट हो गए हैं, बोल्ड में हाईलाइट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू जैसे ये है, ये है, ये है। अब इसका जो बोल्ड में आ रहा है, इसके जगह कुछ और किया जा सकता है क्या, एक बार चेक करते हैं, यहाँ से चलते हैं, यही कंडीशन थी ना। तो देखो यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, और सेल वैल्यू ये लिखा हुआ है, और डेट इज, ये सब इस तरीके की चीजें आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई भी कलर फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाइल दिया गया है, तो यहाँ पे स्टाइल भी आप लगा सकते हैं, तो जो स्टाइल चाहे वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम कर दें डिफॉल्ट या गुड कर दें, तो ये गुड वाली स्टाइल कुछ इस तरीके की आएगी, देखिए ओके कर देंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे वाला यहाँ तक आएंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें ये सारे बच्चे पास हैं। किसी का भी 33 से कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर 33 से कम वाला हमें देखना है, तो यहाँ पर जाकर के वापस से इस तरीके से कंडीशन पे जाएंगे, और इस बार क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे बैड, ठीक है। तो ये बैड वाले पे जाकर के और लगा देंगे, और यहाँ लेस देन 33 करेंगे, ये ग्रेटर देन है ना, इसको बना देंगे लेस देन, ये लेस देन कर दिया, और यहाँ कर देंगे 33, ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे। तो जो 33 से लेस है केवल वही हाईलाइट होंगे, और वो रेड कलर में हाईलाइट होंगे, देखो रेड कलर में हुए हैं कि नहीं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसको अलग अलग तरीके से भी यूज किया जा सकता है, फिलहाल तो ये एक यूज है इसका, ठीक है।